Hi, good morning friends. Once again we are here to discuss the force and the law of the motion of subject physics class 9th chapter 9. हमने पिछले डिस्कशन में पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बताया था, हमने डिस्कशन की थी मोशन के बारे में, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजिशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. लेकिन हमने ये नहीं डिस्कशन किया था कि ये मोशन का काउज क्या है. हमने ये भी डिस्कशन किया था कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है. बट व्हाट काउजेज द मोशन, मोशन के क्या कारण हैं, कैसे मोशन में कोई ऑब्जेक्ट आता है या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कैसे रुकता है, उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होती है या उसका एक्सेलरेशन कैसे चेंज होता है, वो अगर पोजीशन चेंज करता है तो वो कैसे पोजीशन चेंज करता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया था. वो हम अब करेंगे फोर्स के बारे में एंड द लॉ ऑफ मोशन चैप्टर के अंतर्गत. आगे क्या सभी मोशन के लिए कोई न कोई कारण जरूरी है? डू ऑल मोशन रिक्वायर ए काउज? अगर हां तो क्या नेचर होगा उस काउज का, कैसा होगा वो? इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्वेंच ऑल सच क्यूरियोसिटीज. सारी चीजों के बारे में जानकारी रखेंगे. सालों तक लोगों के सामने ये प्रॉब्लम था कि मोशन क्या है और इसके कारण क्या हैं. लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अगर एक बॉल को ग्राउंड पे हिट करते हैं तो वो रुक क्यों जाती है, वो कंटिन्यूअस मूव क्यों नहीं करती. इस किसी भी ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल स्टेट क्या है? नेचुरल स्टेट का मतलब हो गया बिना अप्लाइड फोर्स, बिना मोशन में आए हुए. अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वो रुकती क्यों है? अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो चलती क्यों है? अगर रुकी हुई वस्तु सिर्फ रुकी रहे तो वो उसका नेचुरल स्टेट है. अगर कोई वस्तु चल रही हो, मूव कर रही हो तो उसका ये नेचुरल स्टेट होना चाहिए. फिर वो नेचुरल स्टेट खुद से कैसे बदलता है? खुद से इन द सेंस, अगर कोई कार को या अगर हम साइकिल पे पैडल मारते हैं तो साइकिल आगे बढ़ती है, और हम पैडल मारना बंद करते हैं तो साइकिल फिर उसी स्पीड में कंटिन्यूअस नहीं बढ़ती, वो धीरे 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 जाकर के रुक जाती है. तो ये क्या कारण है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, इसको जानने के लिए लोगों ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लिए. पिक्चर 9.1 में हम देखते हैं कि हम एक ट्रॉली को पुश कर रहे हैं. जब हम पुश करते हैं तो ट्रॉली आगे मूव करती है, और वो भी उस डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में हम पुश करते हैं. सिमिलरली अगर हम किसी ड्रॉयर को पुल करते हैं तो पुल हम जिस डायरेक्शन में करते हैं उसी डायरेक्शन में वो ड्रॉवर पुल होता है. एंड द हॉकी स्टिक हिट द बॉल फॉरवर्ड, जिस डायरेक्शन में हम करते हैं उस डायरेक्शन में होती है. सो पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग ऑब्जेक्ट्स चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन. हम ये कह सकते हैं कि अगर पुश पुल या हिट करने से ऑब्जेक्ट के मोशन के स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं. हम अपने इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन टू मोशन और टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. हम ये देखते हैं सुबह से शाम तक अपने डेली लाइफ में कि अगर मुझे किसी चीज को मोशन में लाना है तो उसे पुश करना पड़ता है या पुल करना पड़ता है, मतलब कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है उसे मोशन में लाने के लिए. या फिर अगर मैं गाड़ी में चल रहा हूं, साइकिल पे चल रहा हूं, उसे रोकना हो तो मुझे ब्रेक लगानी पड़ती है, मतलब सम एफर्ट लगाना पड़ता है उसे रोकने के लिए. इट मीन्स कुछ एफर्ट रिक्वायर्ड है किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए, या फिर अगर वो मोशन में है तो उसे रोकने के लिए, या फिर यूं कहें कि चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज ऑफ डायरेक्शन या चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द मोशन करने के लिए. वी ऑर्डिनरली एक्सपीरियंस दैट एन मस्कुलर एफर्ट एंड से दैट वी मस्ट पुश और हिट और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन द पुश, हिट और पुल. हमें फोर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं या सोचते हैं, कॉन्सेप्ट रखते हैं, तो हम यही रखते हैं कि हमने पुश किया, हिट किया या फिर पुल किया.
ये जो हिट पुश और पुल है दिस इज ये फोर्स है। अब इसे चूंकि ना ही कोई देखा है, इसे ना ही महसूस किया जा सकता है, इसे ना ही टेस्ट किया जा सकता है इस फोर्स को, लेकिन वी ऑलवेज सी इफ और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम फोर्स के इफेक्ट को देखते हैं। लाइक अगर हम फोर्स को नहीं देख सकते लेकिन इफेक्ट क्या होता है फोर्स लगाने पे, हम इसे देख सकते हैं। हम देखते हैं कि अगर फोर्स लगाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। दे मूव बिकॉज वी मेक ए फोर्स एक्ट ऑन देम। वो मूव कर जाती है अगर हम फोर्स लगाते हैं। सो हम अभी एक फिगर 9.2 पे देखने के बाद बात करें तो हम ये देखते हैं कि फोर्स अगर हम अप्लाइड करते हैं कि स्प्रिंग पे तो ये स्प्रिंग मोशन में नहीं आता लेकिन इस अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेता है। जस्ट लाइक एक स्फेरिकल रबर बॉल है, उसको अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो भी अपना शेप चेंज करता है। सो अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कुछ न कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। आइदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आती है अगर, या फिर मोशन में जो है वो रुक जाता है, या फिर अपना वो स्टेट चेंज करता है, शेप चेंज करता है। अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स की और अनबैलेंस्ड फोर्स की। यहां पे पिक्चर 9.3 में एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक वुडन ब्लॉक है और वुडन ब्लॉक पे एक डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन है और दूसरा वाई डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, फोर्स अप्लाइड होता है। अगर वुडन ब्लॉक रखा हो टेबल पे और मैं एक्स डायरेक्शन में पुल करूं उसे या फोर्स लगाऊं एक्स के, तो वो वुडन बॉक्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी। सिमिलरली अगर हम वाई डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें तो वो वुडन बॉक्स वाई डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन अगर हम एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में बराबर बराबर के फोर्स लगा दें तो भी क्या वो वुडन बॉक्स मूव करेगी? नहीं करेगी, बिकॉज एक्स में एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगा और जो वाई डायरेक्शन जो उसका अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा, दोनों बराबर फोर्स है तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। इट मीन्स अगर बैलेंस्ड फोर्स लगा तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। हां अगर मैं एक्स डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं और वाई डायरेक्शन में 9 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तो एक न्यूटन मैंने एक्स डायरेक्शन में ज्यादा लगाया तो वो बॉक्स एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर वाई डायरेक्शन में भी 10N का फोर्स लगाऊं और एक्स डायरेक्शन में भी 10N का फोर्स लगाऊं तो वो बॉक्स मूव नहीं करेगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक्स फोर्स में 10N के फोर्स को लगा हुआ फोर्स को वाई साइड में जो फोर्स लगा है वो हमारा फोर्स उसे न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, या फिर यूं कहें बैलेंस कर दे रहा है। सो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं और अनबैलेंस फोर्स किसे कहते हैं। अब हम एक और एक्सरसाइज लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एक वुडन बॉक्स पड़ा हुआ है जमीन पे जो रफ सरफेस है उसका, और कुछ बच्चे उस वुडन बॉक्स जो बड़ा बॉक्स है उसे पुश करते हैं बच्चे, और वो बॉक्स नहीं मूव करता। बच्चों ने एफर्ट तो लगाया, बच्चों ने पुश किया, बच्चों ने एफर्ट लगाया मींस फोर्स लगाया, लेकिन वो फोर्स न्यूट्रलाइज हुआ सरफेस पे जो रफ सरफेस है और जो वुडन बॉक्स है उन दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट है, उस कॉन्टेक्ट के कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उस फ्रिक्शनल फोर्स उस अप्लाइड फोर्स को जो बच्चों ने लगाया उसको न्यूट्रलाइज कर दिया या फिर बैलेंस कर दिया। ये बॉक्स तब तक मूव नहीं करेगा जब तक कि ये न्यूट्रलाइज फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो रफ सरफेस और वुडन ब्लॉक्स के बीच क्रिएट हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स और बच्चों के द्वारा लगाया गया फोर्स जब तक बराबर रहेगा तब तक वो बॉक्स मूव नहीं करेगा। द सेकेंड बॉक्स स्टार्टेड मूविंग, जिस समय भी बॉक्स मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, इट मीन्स कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था सरफेस और बॉक्स के कारण, रफ सरफेस और
बॉक्स के कारण, बीच में जो कांटेक्ट बन रहा है उसके कारण वो फोर्स कम होगा बच्चों के द्वारा अप्लाइड फोर्स से, या बच्चों के द्वारा अप्लाइड फोर्स उस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा। इट मीन्स कि फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन फोर्स हमारा न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है, और उस बैलेंस फोर्स के वजह से हमारा बॉक्स मूव नहीं कर रहा। हम यहां पे ये कह सकते हैं कि अगर मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट करना हो, इट मीन्स मूवमेंट मीन्स चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन मोशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ द शेप, कुछ भी चेंजेस चाहिए तो उसके लिए अनबैलेंस्ड फोर्स की आवश्यकता होगी। अनबैलेंस्ड फोर्स रिक्वायर्ड है चेंज इन वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन के लिए, चेंज इन प्लेस या चेंज इन द शेप। नाउ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी when the forces acting on the object are balanced and there is no net external force on it. अब हम जब एक बार जब मूवमेंट शुरू हो गया बॉक्स का, तो वो बॉक्स तब तक मूव करेगी जब तक कि वापस से फिर से एक अनबैलेंस्ड फोर्स उस बॉक्स पे ना लगे रुकने के लिए। वो पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स कुछ भी हो सकता है। Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required, जो अभी हमने देखा इस एक्सपेरिमेंट से जाना कि अगर to accelerate the motion of an object या फिर change in the displacement, shape change, velocity change, motion change, speed change, whatever if there is कुछ भी अगर changes है especially because of the unbalanced force. Unbalanced force की आवश्यकता होगी तभी उसमें कोई भी changes आएगा, and the change of its speed would continuous as long as the unbalanced force is applied. अब एक और experiment है, this experiment से हम समझेंगे कि inertia क्या है और inertia किसे कहते हैं। गैलीलियो ने एक ऑब्जर्वेशन किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक वुडन ब्लॉक लिया ए और एक वुडन ब्लॉक लिया बी। फिगर 9.5 में आप देख सकते हैं वुडन ब्लॉक ए और वुडन ब्लॉक बी। उसने वुडन ब्लॉक ए को फ्रिक्शन लेस बनाया, फ्रिक्शन लेस रखा, इट मीन्स उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं था। उसने फ्रिक्शन को जीरो किया, मेंटेन किया, और साथ ही उसने बी ब्लॉक को भी फ्रिक्शन लेस किया। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, एक मार्बल के बॉल को उसने ए ब्लॉक से ऊपर से मूव किया। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस जब ये वुडन ब्लॉक से ऊपर से नीचे आता है मार्बल का एक रोल, और फिर ये बी ब्लॉक पे उसी ऊंचाई तक पहुंचता है जिस ऊंचाई से ए ब्लॉक से चला था, लेकिन इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है जब ये बी ब्लॉक पे मूव करता है, और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है जब ये ए ब्लॉक पे ऊपर से नीचे आता है। एक ब्लॉक पे ऊपर से नीचे आने पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और बी ब्लॉक पे नीचे से ऊपर जाने से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। अब ये वेलोसिटी इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है, ये हम अगले चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं कि ये जितनी दूरी से ऊपर से ए ब्लॉक से आई थी बी ब्लॉक पे उतनी ही दूरी पे तक पहुंचती है, तब जबकि हमारा ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में जो सरफेस है उस पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस उसको बनाया गया है। Galileo urged that when the marble is released from the left, it would roll down the slope and go on the opposite side on the same height from which it was released, जैसा कि मैंने अभी कहा। If the right side plane were ultimately made horizontal,
अगर मैं साइड बी को इंक्लिनेशन कम करते करते, या लाइक हाँ देखें आप, इंक्लिनेशन कम है, पहले में है, दूसरे में और कम है, तीसरे में कम है, और फाइनली हटा दिया गया है इंक्लिनेशन. सो इफ द राइट साइड प्लेन वेयर अल्टीमेटली मेड हॉरिजेंटल, दैट इज द स्लोप इज रिड्यूस टू जीरो. स्लोप को हटा दिया गया, इट मीन्स ब्लॉक ए रखा गया और ब्लॉक बी को हटा दिया गया, या फिर इंक्लिनेशन धीरे धीरे कम किया गया. हम ये देखते हैं, पाते हैं कि जिस हाइट से ब्लॉक ए से बॉल मूव कर रहा है नीचे, उसी हाइट तक हर इंक्लिनेशन पे बॉल पहुंच रहा है. उसके हाइट पे कोई भी अंतर नहीं है, ये डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन जो रिड्यूस हुआ हमारा उसके वजह से, लेकिन ये बॉल सेम हाइट पे पहुंच रहा है. अब हम इस ब्लॉक को हटा देते हैं, इट मींस कि इंक्लिनेशन को जीरो कर देते हैं. जीरो कर देने पे द मार्बल वुड कंटिन्यू टू ट्रेवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट दैट इट वॉज रिलीज फ्रॉम. ये मार्बल तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि इसे ये हाइट नहीं मिल जाती. वापस से समझें इस चीज को. ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, इसमें फ्रिक्शन लेस किया गया है इस सरफेस को, और एक मार्बल का बॉल ऊपर से मूव करा जाता है. हम सी पिक्चर फिगर 9.5 का सी देखें और यहां से समझें कि वुडन ए के जिस हाइट से बॉल को मूव करा जाता है, वुडन बी के उसी हाइट पे बॉल जाके रुकती है. अगर हम वुडन बी के इंक्लिनेशन को कम करें तो भी वुडन ए के जिस हाइट से बॉल मूव करती है, वुडन बी के उसी हाइट तक बॉल मूव करती है, चाहे उसे थोड़ा ज्यादा लंबा चलना पड़े, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है. सिमिलरली वुडन ए, वो ब्लॉक ए के जिस हाइट से बॉल मूव कर रही है सी पिक्चर में, सिमिलरली लास्ट इंक्लिनेशन सबसे लास्ट जिसका है वहां पे भी सेम हाइट तक बॉल मूव कर रही है. और जब इस इंक्लिनेशन बॉक्स को हटा दिया जाए या जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वुडन ब्लॉक ए से जो बॉल नीचे मूव हो रही है वो तब तक मूव होती रहेगी, चलती रहेगी, जब तक ये इस हाइट पर ना पहुंच जाए. एक्सपेरिमेंट बहुत क्लियर बताता है कि अगर फ्रिक्शन को हटा दिया जाए, फ्रिक्शन लेस एक सरफेस बनाई जाए, तो ये बॉल तब तक, इस बॉल को तब तक मूव करना चाहिए जब तक कि ये बॉल अपने वापस से उस हाइट को ना पा जाए. सो इफ द राइट साइड प्लेन वेयर अल्टीमेटली मेड हॉरिजेंटल, द मार्बल वुड कंटिन्यू टू ट्रेवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट दैट इट वॉज रिलीज फ्रॉम. द अनबैलेंस फोर्स ऑन द मार्बल इज इन केस आर जीरो. यहां पे हमें हमारे मार्बल पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा, जबकि हमें पता है कि अनबैलेंस फोर्स जरूरी होता है मूवमेंट के लिए, अभी हमने डिस्कशन किया था. लेकिन इस केस में चूंकि फ्रिक्शन लेस सरफेस बनाया गया है फ्रिक्शन लेस सरफेस होने के कारण, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाइड हो रहा है, बॉल ऊपर से नीचे मूव करते समय इसकी स्पीड बढ़ जाती है, इस बात का डिस्कशन हम अगले चैप्टर में करेंगे. इस बात को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें कि क्यों बढ़ जाती है इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी क्यों बढ़ती है, तो इस पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है. सो इफ दस सजेस्टेड दैट एन अनबैलेंस्ड और एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन, अगर जरूरत है मोशन को चेंज करने के लिए ऑफ द मार्बल, बट नो नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल, उसी फोर्स को बराबर मेंटेन रखने के लिए, यूनिफॉर्मेशन के लिए जरूरत नहीं है. इट इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इट इज डिफिकल्ट टू अचीव ए जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स. कायदे से हम ये एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है
अचीव करना जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स को. अनबैलेंस्ड फोर्स कभी भी जीरो नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ द रेसिस्टेंस, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ थिंग्स. इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह मालूम चला, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. दस इन प्रैक्टिस द मार्बल स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस. एक्चुअली में मार्बल ऊपर से नीचे मूव करने के बाद थोड़ी दूर पे जाकर के रुक जाता है. इट मीन्स कि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड होता है. दस इन प्रैक्टिस मार्बल स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस. द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स मे बी मिनिमाइज्ड, कम किया जा सकता है यूजिंग ए स्मूथ मार्बल एंड ए स्मूथ प्लेन एंड प्रोवाइडिंग ए लुब्रिकेंट ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन. हम उस फ्रिक्शनल फोर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग ए स्मूथ प्लेन बनाए, ल्यूब्रिकेंट यूज करें प्लेन पे. और इस एक्सपेरिमेंट को हम कर सकते हैं. न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोस आइडियाज. न्यूटन ने फिर गैलीलियोस के इस आइडिया को स्टडी किया ऑन फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड थ्री फंडामेंटल लॉ. और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को समझने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, उन्होंने तीन फंडामेंटल लॉ दिए दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. मोशन लॉ ऑफ मोशन के बारे में उसने तीन फंडामेंटल लॉज दिए. दीज थ्री लॉज आर नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. पहला, द टेंडेंसी टू अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्सिया. यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस इनर्सिया को समझने की. इनर्सिया इज अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग. अगर वो स्टे में है तो उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो स्टे में रहे. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी टेंडेंसी, जो टेंडेंसी है मूव करने की, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड द इनर्सिया. सो वंस अगेन मैं इनर्सिया को रिपीट कर रहा हूं. द टेंडेंसी, इनर्सिया इज नथिंग बट द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट. अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट मतलब जिसपे एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो, जिसपे अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग रहा हो. अगर वो अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है किसी पे, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी होती है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा और अगर वो मूविंग है तो वो मूवमेंट में ही रहना चाहेगा. और इस टेंडेंसी को इनर्सिया कहते हैं. नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन्स अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ बाय एन अप्लाइड फोर्स. कोई भी ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहता है, या तो वो रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहता है, या फिर अगर किसी यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहता है इन ए स्ट्रेट लाइन, जब तक कि उसे कंपेल्ड नहीं किया जाता या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड नहीं होते, तब तक वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करता. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इन अदर वर्ड्स, ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन इन ए क्वालिटेटिव वे. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज क्लियर नाउ. सिंपली कोई वस्तु जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, या तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, तब तक जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस अप्लाइड ना हो. एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स.
दिस इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्सिया. इनर्सिया इज वंस अगेन द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट सो ही वॉन्टेड टू बी इन द रेस्ट और इफ द ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ही वॉन्टेड टू रिमेन्स इन द मोशन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. सर्टेन एक्सपीरियंस सेज दैट वी कम अक्रॉस द वाइल ट्रेवलिंग इन ए मोटर कार कैन बी एक्सप्लेन इन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्सिया. अब हमें इनर्सिया जो लॉ ऑफ इनर्सिया है इनर्सिया के बारे में थोड़ा और डिस्कशन कर लें. जैसे अगर हम किसी बस में जा रहे हों और बस में ड्राइवर चलते बस में अचानक से ब्रेक लगाता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्सिया. वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सीट अंटिल द ड्राइवर अप्लाइज ए ब्रेकिंग फोर्स टू स्टॉप द मोटर कार. विथ द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक द कार स्लोज डाउन बट आवर बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्सिया. हमारा बॉडी अपने इनर्सिया जो टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहने की के कारण हम गाड़ी ब्रेक लगने के कारण गाड़ी तो रुकती है लेकिन हम जहां जो टेंडेंसी है उसी स्टेट में रहने की मोशन के स्टेट में रहने की हमारे उस स्टेट में रहने के कारण हम आगे झुक जाते हैं और उसी वजह से हमें झटका लगता है. ये सिर्फ इनर्सिया की वजह से होता है. ए सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स मे दस काउज इंजरी टू अस बाय इंपैक्ट ऑफ और कोलिजन विथ द पैनल इन फ्रंट. सेफ्टी बेल्ट आर वॉर्न टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट. सेफ्टी बेल्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर. एन अपोजिट एक्सपीरियंस इज एनकाउंटर्ड व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन ए बस एंड द बस बिगिन्स टू मूव सडनली. नाउ वी टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड्स. अब अगर कोई बस रुकी हुई है हम बस में खड़े हैं और सडनली बस चलना शुरू करती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है. हम बिगिन्स टू मूव सडनली बैकवर्ड हम मूव करते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ ए सडन स्टार्ट ऑफ द बस brings motion to the bus. स्टार्ट होती है बस तो बस मोशन में आती है और हमारी जो टेंडेंसी है बने रहने की इनर्सिया की वजह से हम रेस्ट में बना रहना चाहते हैं इसीलिए हमें पीछे की ओर झटका लगता है. बस एज वेल एज आवर फीट इन द कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस. हमारा जो पैर होता है फीट जो है वो कांटेक्ट में है बस के तो वो बस चल चुका चलने के कारण हमारा फीट चल चुका होता है. बट द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी अपोजेस द मोशन ड्यू टू इनर्सिया. इनर्सिया जो हमारी टेंडेंसी है हम जिस स्टेट में रह रहे हैं उसी स्टेट में रहना चाहते हैं की वजह से बट द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी अपोजेस द मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्सिया. व्हेन ए मोटर कार मेक ए शार्प टर्न एट ए हाई स्पीड we tends to get thrown to one side. Similarly, यहां पे भी this is the because of the inertia. अगर मोटर कार पे बैठे हैं और वहां पे शार्प टर्न है और गाड़ी मूव करती है तो हम जिस साइड गाड़ी मूव करती है उसके अपोजिट साइड झुक जाते हैं. This can again be explained on the basis of law of inertia. ये सब law of inertia की वजह से ही है. वी टेंड्स टू कंटिन्यू इन अवर स्ट्रेट लाइन मोशन. वेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड बाय द इंजिन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मोटर कार वी स्लिप टू वन साइड ऑफ द सीट ड्यू टू द इनर्सिया ऑफ अवर बॉडी जैसा कि हमने अभी बताया. अब हम एक एक्टिविटी करते हैं. एक्टिविटी है हमने कैरम बोर्ड देखा होगा. कैरम बोर्ड के ऊपर में हमने उसके गोटियों को हमने हॉरिजॉन्टली बॉटम से
प्लेस करते हैं इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख करके, और हिट करते हैं कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर से। तो जो कैरम कॉइन्स हैं जो हॉरिजेंटली उस वर्टिकली जो रखे पड़े हैं और हमने शार्प हॉरिजेंटली हिट करते हैं एट द बॉटम ऑफ द पाइल यूजिंग अनदर कैरम कॉइन और स्ट्राइकर, इफ द हिट इज स्ट्रांग नॉर्मली, इफ द हिट इज स्ट्रांग, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हिट स्ट्रांग रहती है इनफ द बॉटम कॉइन्स मूव आउट क्विकली, वंस द लोएस्ट कॉइन इज रिमूव्ड द इनर्सिया ऑफ द अदर कॉइन्स मेक देम फॉल वर्टिकली ऑन द टेबल। हमने देखा है कि कैरम कॉइन्स को अगर हम वर्टिकली अरेंज करते हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और स्ट्राइकर से थोड़ा हार्ड हम हिट करते हैं तो नीचे की कॉइन जो है कैरम कॉइन वो रिप्लेस हो जाती है और बाकी के ऊपर की सारी कॉइन जितने भी हैं वो नीचे के कॉइन के जगह पे आ जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्सिया, बिकॉज ऊपर के जितने भी कॉइन्स हैं वो अपने लॉ ऑफ इनर्सिया की वजह से अपने ही स्टेट में रहना चाहते हैं, और हमने हिट किया सबसे नीचे वाले कॉइन को तो मूवमेंट नीचे वाले कॉइन में आई, और बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इनर्सिया ऊपर वाली कॉइन अपने इस स्थिर इस अवस्था में थी तो ऊपर से नीचे आ गई। हमें एक और एक्सपेरिमेंट लिया मैंने, एक 5 रुपए के कॉइन को हमने एक गत्ते पे रखा और उसे एक ग्लास के ऊपर में डाला। अब हम एक गत्ते को हिट करते हैं शार्पली तो वो 5 रुपए का कॉइन सीधे ग्लास के अंदर जाता है। यहां पे जब हम हिट करते हैं गत्ते को तो गत्ता मूवमेंट में आता है, लेकिन जो 5 रुपए का कॉइन है वो लॉ ऑफ इनर्सिया की वजह से स्टेट जिस स्टेट में वो है उसी स्टेट में उसे रहना चाहता है तो वो उसी स्टेट में रहता है, और उसी स्टेट में रहने की वजह से उस जो टेंडेंसी है इनर्सिया की टेंडेंसी उसी लॉ ऑफ इनर्सिया की वजह से उस टेंडेंसी की वजह से वो मूवमेंट में नहीं आता, वो वही रहता है और गत्ते के हटने से वो नीचे ग्लास में गिर जाता है। अगर हम देखें कि उस 5 रुपए के वजह से बदले अगर हम 1 रुपए का कॉइन डालें, जो कॉइन है उसकी हम वजन कम करें, तो हम पाएंगे कि जो हम गत्ते को हिट करते हैं उसमें हमें कम स्पीड से कम फोर्स लगा करके हम हिट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इनर्सिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अभी क्लियर हो गया। नाउ इनर्सिया एंड मास, अब हम इनर्सिया तक पहुंच चुके हैं, अब हम रिलेशन देखते हैं इनर्सिया में और मास में, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। All the examples and activities given so far illustrate that there is a resistive offered by an object to change its state of motion. एक अगर किसी के मोशन में चेंज करते हैं या किसी के स्टेट में चेंज करते हैं तो एक रेसिस्टेंस आती है वहां से, अपोजिट डायरेक्शन में एक रेसिस्टेंस होती है। इफ इट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग। वो उसी अवस्था में रहना चाहता है और एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगर हम लोग उसे चेंज करना चाहते हैं। डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्सिया, क्या सभी बॉडी की सेम इनर्सिया होती है? वी नो दैट इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन बॉक्स ऑफ फुल ऑफ बुक्स। सिंपली हम एक खाली डब्बे को आसानी से मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बॉक्स किताबों से भरी पड़ी हो तो उसे आसानी से मूव नहीं किया जा सकता। सिमिलरली वी किक ए फुटबॉल इट फ्लाइज अवे, बट इफ वी किक ए स्टोन ऑफ द सेम साइज विथ इक्वल फोर्स इट हार्डली मूव्स, नहीं मूव करेगा। वी मे इन फैक्ट गेट एन इंजरी इन आवर फुट व्हाइल डूइंग सो। हम अगर एक फुटबॉल को किक करें वो फुटबॉल जो है वो फ्लाई अवे हो जा सकता है,
लेकिन उतने ही बड़े पत्थर को अगर हम वापस से किक करें तो मेरा पैर टूटेगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। सिमिलरली इन एक्टिविटी 9.2 इंस्टीड ऑफ द 5 रुपीज क्वाइन, जैसा मैंने कहा अभी, इफ यू यूज ए 1 रुपीज क्वाइन वी फाइंड दैट ए लेजर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्टिविटी। सो फोर्स दैट इज जस्ट एनफ टू काउज ए स्मॉल कार टू पिक अप द लार्ज वेलोसिटी विल प्रोड्यूस ए नेग्लिजिबल चेंज इन द मोशन ऑफ ए ट्रेन। अब एक छोटी सी कार को मूव करने के लिए जितना फोर्स लगता है उससे, और एक ट्रेन को जो मोशन मिलाने के लिए फोर्स लगेगा, वो फोर्स अलग अलग होंगे। नेचुरली कार के लिए कम फोर्स होगा, स्मॉल फोर्स होगा, और ट्रेन को मूवमेंट कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना होगा। दिस इज बिकॉज इन कंपेरिजन ऑफ द कार्ट द ट्रेन हैज मच लेजर टेंडेंसी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कहने का मतलब कि कार की टेंडेंसी जो है कम फोर्स में मूव करने की है, जबकि एक ट्रेन की टेंडेंसी ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा एफर्ट चाहिए मूव करने के लिए। अकॉर्डिंगली वी से दैट द ट्रेन हैज मोर इनर्सिया देन द कार्ट। हम अब कह सकते हैं कि ट्रेन को मूव करने के लिए चूंकि ज्यादा फोर्स चाहिए और कार को मूव करने के लिए बहुत कम फोर्स चाहिए और इनर्सिया दोनों में है, तो हम कह सकते हैं कि इनर्सिया ट्रेन में ज्यादा है, कार में कम है। क्लियरली हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट ऑफर लार्जर इनर्सिया। इनर्सिया जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा, जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसकी इनर्सिया उतनी ज्यादा होगी। क्वांटिटेटिवली द इनर्सिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी बॉडी की इनर्सिया उसके मास पे डिपेंड करती है। इनर्सिया जो टेंडेंसी है, जिस स्टेट में है उस स्टेट में ही रहना चाहती है बॉडी ऑब्जेक्ट, और इनर्सिया को अगर मेजर करना चाहें तो वो इनर्सिया को उसके मास से मेजर कर सकते हैं। बिकॉज एक कार को मूव करने के लिए हमें कम एफर्ट चाहिए एज कंपेयर्ड एक ट्रेन को मूव करने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट चाहिए, ज्यादा फोर्स चाहिए। सो वी मे दस रिलेट इनर्सिया एंड मास एज फॉलोज। इनर्सिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिंपली टू रेसिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। इनर्सिया को ऐसे डिफाइन करा जा सकता है कि इनर्सिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्सिया। जो जितना मास ज्यादा होगा उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी उस बॉडी की, उतना ज्यादा इनर्सिया होगा। सो मास इन एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्सिया। नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, आप इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। अगर कोई प्रॉब्लम होती हो, कोई समझ में नहीं आ रही हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आई विल प्रोवाइड यू द आंसर विथ रीजन। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंजेस। दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट एन एक्सलरेशन। हमने अभी पहले लॉ ऑफ मोशन में देखा था कि कोई भी वस्तु तब तक रेस्ट में रहती है या फिर तब तक मोशन में रहती है या अपने नेचुरल स्टेट में रहती है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स न अप्लाई करा जाए। इसका मतलब यह है कि जब एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, इसका वेलोसिटी चेंज होता है, इसका स्पीड चेंज होता है, इसकी एक्सलेशन में चेंज आता है या फिर इसके साइज में चेंज आता है। दैट इज वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी नाउ द एक्सलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट एंड हाउ वी मेजर ए फोर्स। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम ये
समझेंगे, स्टडी करेंगे कि कैसे एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करता है फोर्स अप्लाइड पे, कितना फोर्स लगेगा तो कितनी मूवमेंट होगी। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द चेंज ऑफ वेलोसिटी, हम ये पहले पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। सो लेट अस रिसेंट रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अवर एवरीडे लाइफ। ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस इफ द बॉल हिट्स ए प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम, ऑन द अदर हैंड व्हेन ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स ए स्पेक्टेटर इट मे हर्ट हिम। अब वापस से हम बात करते हैं, जब हम टेबल टेनिस के खेल रहे होते हैं तो उसका जो बॉल है बहुत हल्का होता है, उस हल्के बॉल से अगर मुझे चोट लग हिट 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 कर हिट होती है अगर मेरे से, तो हमें कम चोट लगता है एज कंपेयर्ड कि क्रिकेट बॉल से हिट करा जाए तो ज्यादा चोट लगेगी। ए ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन, अगर कोई ट्रक खड़ा है उससे कुछ नुकसान नहीं हो सकता व्हेन पार्क्ड अलोंग ए रोड साइड, बट ए मूविंग ट्रक, अगर वो ट्रक मूव कर रहा है इवन एट ए स्पीड एज लो एज 5 मीटर पर सेकेंड, अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड में भी मूव कर रहा है, मे किल ए पर्सन स्टैंडिंग इन दिस पाथ, वो एक आदमी को मार सकता है। हमने दो ऑब्जर्वेशन देखा, एक स्मॉल मास सच एज बुलेट, हाँ एक और बात, ए स्मॉल मास सच एज बुलेट मे किल ए पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम ए गन। एक बुलेट जिसका बहुत स्मॉल मास है, हमने तीन चीजें देखी यहां पे, पहली चीजें स्मॉल मास टेबल टेनिस का बॉल हमें हिट करता है, हमें चोट ज्यादा नहीं लगती, हमें कुछ नहीं होता। दूसरी चीजें एक ट्रक अगर हमें बहुत स्लो भी मूव कर रहा हो लेकिन अगर हिट करता है तो वो एक आदमी को मार सकती है। तीसरी चीजें बहुत ही छोटी और हल्की बुलेट भी किल कर सकती है एक पर्सन को अगर वो एक गन से फायर की गई हो तो। ये तीन ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करता है मुझे कि द इंपैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। जो इंपैक्ट है, पहला इंपैक्ट मास, टेबल टेनिस के वाले बॉल के साथ अगर देखें उसकी मास बहुत कम है एंड वेलोसिटी भी बहुत कम है जो मुझे हिट करती है, तो हमारा कुछ नहीं होता। दूसरे केस में देखते हैं कि मास बहुत ज्यादा है, ट्रक के केस में ट्रक का मास बहुत ज्यादा है बट स्पीड बहुत कम है लेकिन मुझे मार सकती है। तीसरी चीज मैंने देखी कि बहुत छोटा मास है लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा है बिकॉज वो एक गन से फायर की हुई है और गन से फायर होने पर बुलेट की स्पीड एक्सट्रीमली होती है। तो चूंकि पहले केस में न स्पीड है न मास है, उससे मुझे कोई नुकसान नहीं होता, दैट इज द बॉल ऑफ द टेबल टेनिस। सेकेंड में स्पीड नहीं है मास है लेकिन मुझे नुकसान हो सकता है, मैं मर सकता हूं, कोई भी आदमी मर सकता है, वो किसी को मार सकता है। तीसरी चीज में मास बहुत कम है लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा है, फिर भी वो एक आदमी को मार सकती है, किल कर सकती है। सो ये ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि इंपैक्ट जो है वो प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है उसके मास और वेलोसिटी पे, उसकी मास क्या है और उसमें कितनी वेलोसिटी है, इन दोनों पे डिपेंड करता है। सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी एक्सेलरेटेड वी नो दैट ए ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड, हमें पता है अगर किसी चीज को एक्सेलरेट करना होगा तो मुझे फोर्स अप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा टू गिव ए ग्रेटर वेलोसिटी। इन अदर वर्ड्स देयर अपीयर्स टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी टू ऑफ इंपॉर्टेंस दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट मास एंड इट्स वेलोसिटी, वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम। देयर अपीयर टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इंपॉर्टेंस दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट मास एंड इट्स वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी की जो प्रॉपर्टी है, वन सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मोमेंटम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यूटन। मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज मीन्स द मास एंड मल्टीपल बाय वेलोसिटी। सो द मोमेंटम पी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, दिस इज पी इज इक्वल टू एम वी।
अभी वापस से एक शब्द आया मोमेंटम। अभी हमने देखा कि मास और स्पीड इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को इफेक्ट करने के लिए, और जो इंपैक्ट है वो इंपैक्ट मास और वेलोसिटी की वजह से है। उस और मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीपल बाय द वेलोसिटी। मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मोमेंटम चूंकि वेलोसिटी है वहां पे, मल्टीपल मोमेंटम इज मल्टीपल इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी। मास के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं, लेकिन हमें पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मास जिसमें वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सो मोमेंटम भी डायरेक्शन रखता है और मैग्नीट्यूड रखता है। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। नेचुरली भी द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर दैट इज द मास पर सेकेंड। किलोग्राम इज द मास एंड मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इट मींस इट इज इट्स एसआई यूनिट इज मास किलोग्राम फॉर मास एंड मीटर पर सेकेंड फॉर वेलोसिटी। सो इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिंस द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग ए चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज देयरफॉर क्लियर दैट फोर्स ऑल्सो प्रोड्यूसेज ए चेंज ऑफ मोमेंटम। हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम ये जानते हैं ऑलरेडी कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो चेंज करता है वेलोसिटी में। अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है तो वो वेलोसिटी वो एक्सेलरेशन जनरेट करता है। चेंज अनबैलेंस्ड फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट होता है एंड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज द स्पीड, और स्पीड इज नथिंग बट द वेलोसिटी विद डायरेक्शन। एंड वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज वंस अगेन इट इज एक्सेलरेशन। सो अभी हम कह सकते हैं कि द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग्स ए चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज देयरफॉर क्लियर दैट फोर्स ऑल्सो प्रोड्यूसेज ए चेंज ऑफ मोमेंटम। लेट अस कंसीडर ए सिचुएशन इन विच ए कार विथ ए डेड बैटरी इज टू बी पुश्ड अलोंग ए स्ट्रेट रोड टू गिव इट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड विच इज सफिशियंट टू स्टार्ट द इंजन। इफ 1 or 2% गिव ए सडन पुश दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स टू इट, इट हार्डली स्टार्ट, ये स्टार्ट नहीं होता। बट ए कंटिन्यूअस पुश ओवर टाइम, वो दो आदमी अगर शुरुआत में पुश करता है तो वो स्टार्ट नहीं होता बिकॉज उसकी स्पीड कम होती है। फिर वही दो आदमी उसी पावर से कुछ और देर के लिए भी उसे ठेल रहा होता है या अप्लाई कर रहा होता है फोर्स, तो उस गाड़ी में एक्सलरेशन बढ़ जाती है, उस कार की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, और कार की स्पीड बढ़ने से वो गाड़ी स्टार्ट हो सकता है। सो बोथ बट ए कंटिन्यूअस पुश ओवर सम टाइम्स रिजल्ट इन ए ग्रेजुअल एक्सलरेशन ऑफ द कार टू दिस स्पीड, उसकी स्पीड बढ़ सकती है। वापस से इसको देखते हैं, दो आदमी एक कार को पुश करता है, ये कार हार्डली स्टार्ट होगी मूव करने से, लेकिन जब हम दो ही आदमी कंटिन्यूअस पुश करते हैं उसी कार को काफी देर तक, तो कार की स्पीड थोड़ी निकल के आती है। इट मींस दैट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कार इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बट ऑल्सो बाय द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एग्जर्टेड। वापस से समझे इसको, एक कार खड़ी है, दो आदमी या एक आदमी उसे पुश कर रहा है, वो कार हार्डली मूव कर पाती है इनिशियली, लेकिन वो ही आदमी उसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स है अप्लाई करने के लिए, एफर्ट है, वो अपनी पूरी ताकत से उस कार को मूव कर रहा है, थोड़ी देर तक अप्लाई करता है
तो वो कार मूव करने लग जाती है, कार एक्सलरेट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम सिर्फ उसके फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड पे भी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, उसके टाइम पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी देर तक लगा। अगर वो फोर्स लगाना छोड़ दे तो वो कार नहीं मूव करती, लेकिन उस आदमी ने कंटिन्यूअस सेम फोर्स लगा के रखा तो धीरे धीरे कार मूव कर गई। सो मोमेंटम ऑफ द कार डज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बट ऑल्सो बाय द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एग्जर्टेड। इट मे देन ऑल्सो बी कंक्लूडेड दैट द फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम, फोर्स बहुत आवश्यक है मोमेंटम में चेंज लाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज, डिपेंड करता है उसके टाइम रेट पर। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, जितना हम अप्लाई करेंगे उतना ही चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करा गया है। वापस से, द चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नाउ इसे हम मैथमेटिकली प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये मैथमेटिकली क्या होता है। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी यू, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड टू वेलोसिटी वी इन टाइम टी बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट फोर्स एफ थ्रू आउट द टाइम टी। द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी पी वन इजकल टू एम यू एंड पी टू इजकल टू एम वी रिस्पेक्टिवली। समझे चीज को, ऑब्जेक्ट का मास एम है, उसे उस पर फोर्स अप्लाई करा गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू आई, उस पर वापस से फोर्स अप्लाई करा गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी जो आई वो भी है, इसमें टोटल टी समय लगा, टी समय तक के लिए उसने अप्लाई करा फोर्स, जो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा था वो समय जितना लगा उसके उसे टी डिनोट करते हैं, एफ जो है वो फोर्स है जो पूरी समय लगा लगा उस पर टी समय तक लगा, और इनिशियल और फाइनल इनिशियल मोमेंटम चूंकि मास इंटू वेलोसिटी होता है तो पी वन इजकल टू एम यू, एम यू यू इजकल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड पी टू इजकल टू एम वी, वी इजकल टू द फाइनल वेलोसिटी होता है। सो द चेंज ऑफ मोमेंटम, अब मोमेंटम कहां से चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ फ्रॉम पी वन टू पी टू, फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। द चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, द चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी पी टू माइनस पी वन, इट मीन्स एम वी माइनस एम यू, या फिर एम मल्टीप्लाई बाई वी माइनस यू मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मास मल्टीपल बाई इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमें पर यूनिट टाइम पे चाहिए कि टी समय में उसका चेंजेस हमारा एम वी वन से एम वी से एम यू से एम वी हो गया, तो रेट अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एम मल्टीपल बाई चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो द रेट ऑफ चेंज मीन्स फॉर द यूनिट टाइम इट इज डिवाइडेड बाई टी, और द अप्लाइड फोर्स एफ जो भी अप्लाइड फोर्स है दैट द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम। जो अप्लाइड फोर्स आ रहा है, जो अप्लाइड फोर्स लगा वो काउज है चेंज ऑफ मोमेंटम का, तो चेंज ऑफ मोमेंटम
पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स, दैट इज फोर्स इज, फोर्स इज नथिंग बट द मास मल्टीपल बाई द चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम. डिवाइडेड बाई टाइम मीन्स पर यूनिट, फॉर ए पार्टिकल टाइम, पर यूनिट टाइम द अप्लाइड मोमेंटम. सो फाइनली एफ इज इक्वल टू के, दैट के इज द कॉन्स्टेंट, मल्टीपल बाई एम, मल्टीपल बाई द चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी. हमें पता है, पहले हमने देख रखा है दैट ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. इट मीन्स वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इज द एक्सेलरेशन. सो एफ इज इक्वल टू के एम ए. द क्वांटिटी के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड द वेलोसिटी. सो के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन आर केजी एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एसआई यूनिट एक्सेलरेशन का और मास का, मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. तो हमें मोमेंटम जो अप्लाई, फोर्स, फोर्स का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा केजी पर, केजी पर सेकेंड स्क्वायर. दस द यूनिट ऑफ फोर्स सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट के बिकम्स वन. For this one unit of force is defined as the amount produces the an acceleration of 1 meter second square in an object of 1 kg mass, that is one unit of force is equal to k. Like अगर 1 kg का मास है और 1 meter per square की acceleration आती है तो F is equal to k. इन केस ऑफ वन इजकल टू के इजकल टू वन, अगर के को वन करते हैं, के और के वन तब होगा जब हम एम जो मास है, मास वन केजी लेते हैं और एक्सेलरेशन लेते हैं वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उस केस में यूनिट, यूनिट मास के लिए, यूनिट एक्सेलरेशन के लिए एफ इजकल टू के और फिर के इजकल टू वन, और के की वैल्यू अगर वन आती है तो एफ इजकल टू एम ए. So here 9.4 equation आता है F is equal to n ma. The unit of force in kg is meter second square. The unit of force is kg meter second square or newton. kg meter per second square को कह सकते हैं एक newton, which has the symbol n. The second law of motion gives us a method to measure the force एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन. हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं फोर्स को जो किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है, प्रोड्यूस्ड जो प्रोडक्ट है इसके मास का और एक्सेलरेशन का. कितने मास, कितने मास में कितना एक्सेलरेशन हुआ, अगर मास और एक्सेलरेशन मिल जाए तो कितना फोर्स लगा हम ये निकाल सकते हैं. नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन